नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी गेन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ में प्रशासन, जिसके अंतर्गत देखेंगे आज हम छत्तीसगढ़ का कलेक्टर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। जिलाधीश या कलेक्टर, जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर सिर्फ कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रत्येक जिले का एक अपना उपायुक्त होता है। अंग्रेज शासन के दौरान सन 1772 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग द्वारा बुनियादी रूप से नागरिक प्रशासन और भू राजस्व की वसूली के लिए गठित जिला अधिकारी का पद अब राज्य के लोक प्रशासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में प्रमुख स्थान जो है जिलाधीश और कलेक्टर के रूप में जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक सेवक होता है, जो मुख्य जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख सरकारी विभागों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, भू संरक्षण, शिक्षा, महिला अधिकारिता, ऊर्जा, उद्योग, श्रम कल्याण, खनन, खेलकूद, पशुपालन, सहकारिता, परिवहन एवं यातायात, समाज कल्याण, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासन आदि के सारे कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के लिए अपने जिले के लिए अकेले उत्तरदायी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधीक्षक के साथ प्रमुखता जिले की संपूर्ण कानून व्यवस्था का प्रभारी होता है और सभी तरह के चुनावों का मुख्य प्रबंधक भी। साथ ही वह जनगणना आयोजक, प्राकृतिक आपदा प्रबंधक, भू राजस्व वसूलीकर्ता, भू अभिलेख संधारक, नागरिक खाद्य व रसद आपूर्ति व्यवस्थापक, ई गतिविधि नियंत्रण व जनसंख्या निवारणकर्ता भी हैं। बात हो गई उसकी सामान्य जानकारी, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ। कलेक्टर या जिलाधीश, यह अनुच्छेद 233 में इनका उल्लेख है। इनका विभाग है राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग। नायब तहसीलदार से कलेक्टर तक राजस्व आपदा प्रबंधक विभाग के अंतर्गत आते हैं, जबकि डिप्टी कलेक्टर यह जो है राजस्व विभाग में नहीं आता है। इनके उत्तरदायित्व हैं राजस्व अधिकारी के रूप में, जिला के प्रमुख प्रशासक के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, बलवंतराय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।
राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना फ्रांस का प्रीफेक्ट से की जाती है। जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की जाती की थी जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है। ये जो है रेमजे मैकडोनाल्ड, इनके अनुसार राज्य में संचालित डूडा, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, जिला शहरी विकास अभिकरण पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन के तीन प्रमुख कार्य हैं जिनमें निम्न हैं, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जिले में विद्यमान भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना, नागरिक सुविधाओं और सेवाएं प्रदान कर सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना, जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधीश या कलेक्टर ही होता है। वह जिले के सभी कार्यों की देखरेख भी करता है। इस प्रकार उनके तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए। यदि हमारा यह नॉलेज, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।